भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्में और उन फिल्मों में डायलॉग्स दोनों ही काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरते हैं। अब इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि फिल्मों को निरहुआ काफी अच्छे राइटर्स के साथ करते हैं और उनकी कलम से कुछ ऐसा निकलता है कि उसे जब निरहुआ की आवाज मिलती है तो लोग सुनने के बाद वाह जरूर बोलते हैं। एक ऐसा ही डायलॉग निरहुआ ने फिल्म मोकामा 0 किलोमीटर में भी बोला है, जो कि फिल्म के टीजर में मौजूद है और जिसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। दरअसल वो डायलॉग कुछ ये है कि जिगरा बड़ा था इसलिए तो टकराने आ गए, जिनको हमारे बारे में नहीं पता है उनको अब पता चलेगा कि जंगल में शेर पुराने आ गए। ये डायलॉग निरहुआ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बोला। सुनिए निरहुआ की ही आवाज में ये डायलॉग। जिगरा बड़ा था तभी तो टकराने आ गए, जिनको हमारे बारे में नहीं पता है अब उनको पता चलेगा जंगल में शेर पुराने आ गए। आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन संतोष मिश्रा जी ने किया है। वैसे इस फिल्म को लेकर और फिल्म के प्रोड्यूसर सुजीत तिवारी को लेकर निरहुआ ने कई चीजें सामने रखी, साथ ही निरहुआ ने फिल्म की बाकी जानकारियां भी साझा की। उन्होंने बड़ी तेवर वाली फिल्म बनाई है जो कि हमारे भोजपुरी दर्शकों का टेस्ट है, जैसा वो देखना चाहते हैं उनको तेवर वाली फिल्में ज़्यादा पसंद आती है। तो ये पूरी तरह से भोजपुरिया दर्शकों के लिए बनी फिल्म है और उन्हें पसंद आ रही है, तो इसमें ही हमारी सफलता है, क्योंकि पूरी मेहनत इसीलिए हुई थी कि हमारे दर्शक उसे पसंद करें, दर्शकों को अच्छा लगे। और सुजीत तिवारी जी ने उस फिल्म को बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखा, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि कितने में फिल्म बनेगी, इतना पैसा लग रहा है और इतने दिन से शूटिंग चल रही है, एक बार भी उन्होंने सवाल नहीं किया और बहुत अच्छी बहुत बड़ी बड़ी हाँ फिल्म बनाया है उन्होंने। मुझे लगता है कि दर्शक 7 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा धमाका देखेंगे मोकामा के रूप में। वैसे हम भी यही उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को इस फिल्म के रूप में धमाका देखने को मिले और भोजपुरी सिने जगत को एक और ऐतिहासिक फिल्म मिल जाए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से दीक्षा की रिपोर्ट।